नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रपोजल और उसके इसेंशियल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधी बात, नो बकवास। मुझे पता है अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इसलिए उसमें मैं ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो सीधी बात, तो प्रपोजल सेक्शन 2A में आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। मतलब कि एक person है जो किसी को एक offer करता है, लेकिन ये या प्रपोजल भेजता है, लेकिन वो प्रपोजल क्या है, कुछ करने के लिए है या कुछ नहीं करना, मतलब कुछ करना है, टू डू और टू अब्सटेन। अब्सटेन मीन्स कुछ नहीं करना। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सामने वाले की कंसेंट चाहिए। और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रपोजल कहेंगे। हम प्रपोजल क्यों भेज रहे हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, किसी दूसरे व्यक्ति को हम क्या दिखा रहे हैं, हमारी खुद की विलिंगनेस दिखा रहे हैं या कुछ करने की या कुछ ना करने की, टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू, और क्यों कर रहे हैं हम, टू ऑप्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर, क्योंकि हमें जो दूसरा व्यक्ति है उसकी क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए टू सच एक्ट और अब्सटेनेंस। और उसकी कंसेंट क्यों चाहिए, उस एक्ट के लिए या उस अब्सटिनेंस के लिए। और ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसने प्रपोजल किया। तो नेक्स्ट देखेंगे इसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल। तो फर्स्ट इसेंशियल है, ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। मतलब जब भी हम ऑफर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की तरह, यहाँ भी इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशन। एन ऑफर इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट एंड बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, मेयरली सोशल और मोरल रिलेशंस नॉट इंटेंडेड टू हैव मनी वैल्यू विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट लीगल ऑब्लिगेशंस। मतलब सिर्फ सोशल एंड मोरल रिलेशंस होते हैं जो कि जिसका इंटेंशन नहीं होता कि कोई लीगल रिलेशन फॉर्म करे, तो वो नहीं क्या हो सकते, वो प्रपोजल उसे कहा नहीं जाता, उसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कहा जाता। तो ये था हमारा फर्स्ट इसेंशियल, ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। नेक्स्ट, अब सेकंड, मेयर स्टेटमेंट ऑफ वंस इंटेंशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफर। मेयर स्टेटमेंट ऑफ वंस इंटेंशन मतलब कि जो एक व्यक्ति का इंटेंशन है जो उस स्टेटमेंट से दिखाई दे रहा है, बट इज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफर। बट ये सफिशिएंट नहीं है कि उससे क्या कर सके हम, कोई ऑफर बना सके या उसे ऑफर कह सके। द ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर रिगार्डिंग द डूइंग और नॉट डूइंग ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट। मतलब देयर मस्ट बी इंटेंशन टू ऑब्टेन द असेंट मतलब कि ऑफ अनदर, मतलब हमें कंसेंट ही मिलाना चाहिए कि जो दूसरे पर्सन का, तो उस इंटेंशन से आपको ऑफर कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अब ऑफर बना रहे किसके लिए बना रहे, अनदर पर्सन, और वो कौन होगा, हमारा ऑफरी होगा। इट इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब सामने वाले को पता चलना चाहिए कि ऑफर क्या है। सिर्फ ऑफर हमारे लिए सीमित नहीं होगा, सिर्फ हमें ऑफर मालूम होने से अगले वाला आपको कंसेंट नहीं मिलेगी अगले वाले की, या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ओके, इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट देयर इज नो ऑफर टिल इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ओके,
it is to be remembered that there is no offer till it is communicated to the offeree, as otherwise he cannot accept it and being completely unaware of it. मतलब तो उसको पता ही नहीं, कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ ऑफर का, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और उस वो अनअवेयर होगा, उसको अवेयरनेस ही नहीं होगी कि क्या ऑफर है. नेक्स्ट, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट द सेम थिंग एज ऑफर इट्सेल्फ. मतलब इनविटेशन टू ऑफर एक अलग थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, एंड ऑफर इट्सेल्फ इसमें थोड़ा सा क्या है, आर नॉट सेम थिंग्स. ओके, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट द सेम थिंग एज ऑफर इट्सेल्फ. द ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर आर नॉट द सेम थिंग, बट दे आर टू क्वाइट डिफरेंट टर्म्स. इन केस ऑफ एन इनविटेशन टू ऑफर, there is no intention on the part of the person sending out the invitation to obtain the assent of the other person to such invitation. मतलब in case of an invitation to offer, में जो invite कर रहा है offer के लिए, मतलब जो offer दे रहा है invitation to offer में, तो उसका कोई intention नहीं है कि हम उस कि एसेंट ऑप्टेन करना है अनदर पर्सन का, लेकिन ऑफर में ये होता है, इनविटेशन टू ऑफर में इंटेंशन नहीं होता है. ऑफर मस्ट बी सर्टन, एंड ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनाइट. इट्स टर्म्स शुड बी नॉट वेग्यू सो एज टू प्रिवेंट अ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग फॉर्म. मतलब सर्टन टर्म्स उसके होने चाहिए, सर्टन एंड डेफिनाइट होना चाहिए ऑफर, ताकि कॉन्ट्रैक्ट बन सके, टर्म्स उसके वैग्यू नहीं होने चाहिए. इस ऑफर मस्ट बी मेड इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट नॉट एज ऑर्डर. ऑफर मस्ट बी मेड इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट नॉट एज ऑर्डर. मतलब ऑफर जो है वो रिक्वेस्ट के रूप में होनी चाहिए, ना कि ऑर्डर. ओके, हमें उसका जो असेंट है, उसका जो कंसेंट है, वो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल चाहिए. ओके, ना कि मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस से मिलाना है. क्या चाहिए? रिक्वेस्ट होनी चाहिए, ना कि ऑर्डर. इट मस्ट बी रिमेंबर दैट प्रपोजर कैनॉट मेक ऑफर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, सो एज टू कंपेल द ऑफर ऑफरी टू रिप्लाई टू हिज ऑफर, रैदर ही मस्ट मेक रिक्वेस्ट टू this effect. He must make request to this effect. I think yes, I could say. तो request होनी चाहिए, ना कि कोई order. Next है, offer may be expressed or implied. अब express मतलब क्या होता है? Offer may be expressed or implied. Express and implied. Express means when an offer is made by words written or oral. मतलब यहाँ पर कुछ बात तो हो रही है, लिखना हो सकता है या oral या बोल कर भी हो सकता है, तो हम उसे express offer कहेंगे. और implied कब होती है? जब वे ऑफ एक्शन, मतलब कि सिर्फ एक्शन से, ना ही कोई वर्ड बोला जा रहा है, ना ही कुछ लिखा जा रहा है, सिर्फ एक एक्शन होगी. जो भी ट्रेडिशनल वे थी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो वो ट्रेडिशनल वे में, मतलब बाय द वे ऑफ कंडक्ट किया जाने वाला ऑफर, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्लाइड ऑफर कहेंगे. ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल. अब ऑफर के दो टाइप्स हो सकते हैं, एक तो स्पेसिफिक हो सकती है या फिर जनरल हो सकती है. स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्सन के लिए और ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, लेकिन जनरल मतलब कि सभी के लिए, सबके लिए खुली. स्पेसिफिक मतलब किसी लिमिटेड ग्रुप के लिए या लिमिटेड या किसी एक पर्सन के लिए, समझ रहे? तो ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल. ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव मींस व्हेन एन ऑफर इज रिगार्डिंग द डूइंग ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्ट, देन इट इज पॉजिटिव. मतलब अगर ऑफर में कुछ एक्ट हो, कुछ करने की बात हो, तो होगी पॉजिटिव. अगर कुछ ना करने के लिए ऑफर दी जा रही हो,
तो होगी नेगेटिव ऑफर. इफ द ऑफर इज रिगार्डिंग द नॉट डूइंग ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट, इट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफर. 10. ऑफर मे बी कंडीशनल और अनकंडीशनल. तो ऑफर कंडीशनल भी हो सकती है, अनकंडीशनल भी हो सकती है. फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स प्रपोजल, अ प्रपोजर, प्रपोजल यहाँ पर प्रपोजल है, अ प्रपोजर मे बी इम्पोज, मतलब ऑफर जो भी प्रपोज देने वाला है मे इम्पोज वन और मोर कंडीशंस. तो कुछ मतलब कंडीशंस भी दे सकता है ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए, या कुछ कंडीशंस भी हो सकते हैं उस ऑफर में कि कुछ स्पेसिफाई लोग ही उसे एक्सेप्ट कर सकते, कर सके, इसलिए कुछ कंडीशंस भी दिए जा सकते हैं. तो इस तरह से हमने इसेंशियल्स एंड प्रपोजल क्या है वो देखा, इसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल एंड व्हाट इज प्रपोजल, ये दो चीज़ें हमने देखी. तो होप आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में.